हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसके अंदर अभी तक हम कास्टिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब कास्टिंग प्रोसेस के अंदर अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से कास्टिंग प्रोसेस के अंदर मोल्ड, ठीक है, मोल्ड किसे कहते हैं, देन आफ्टर दूसरी बात पैटर्न किसे कहते हैं, देन मोल्ड कैविटी किसे कहते हैं, देन आफ्टर कोर किसे कहते हैं, ओके, देन आफ्टर मोल्डिंग सैंड किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड कैसी होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस के बारे में समझा था कि कोई मेटल है जिसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके, गर्म करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके कोई भी एक मोल्ड के अंदर जब डालते हैं तो उसका डिजायर से कॉपर मिलता है, उसको कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। मोल्ड यानी क्या कि जिसके अंदर हम कोई भी मटेरियल को यहाँ पे जो भी प्रोसेस की जाती है वो एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं तो सब मोल्ड कहेंगे। उसके बाद पैटर्न, तो पैटर्न यानी क्या कि जो हमको जैसा डिजायर से चाहिए, जैसे कि हमको टी शेप चाहिए, जो मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो में भी दिखाया था, ऐसा ही टी शेप वाला हमारे पास एक सैंपल वर्कपीस हो तो जिसे हम कहते हैं पैटर्न कहते हैं। मोल्ड कैविटी यानी अगर ये जो टी है इसको यहाँ पे जो मिट्टी, अगर मैं इसको टॉपिंग में देखूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा दबा दूँ और बाद में इस टी को निकाल दूँ तो मुझे यहाँ पे जो गैप मिलेगी जमीन के अंदर यानी कि मोल्ड के अंदर मिट्टी के अंदर उसे हम कहते हैं मोल्ड कैविटी। कोर जो है, कोर यानी क्या होता है, जिस तरीके से एक चीज है कि यहाँ हमको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ जो है, ठीक है, ऐसे हमने एक शेप बना रहा है लेकिन हमको पता चला कि ये जो पाइप है वो कुछ इस तरीके से अंदर से इतना ही हमको बनाना है, जबकि बीच में क्या रखना है, होलो रखना है, खाली रखना है। तो बीच में यहाँ पे बीच में एक पाइप रख दे जिसकी वजह से वहां पे कास्टिंग होगा नहीं, तो उसे हम कहते हैं कोर कहते हैं। कोर जो होती है वो हॉरिजॉन्टल कोर होती है, वर्टिकल कोर होती है। कोर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जहां पे हमको कास्टिंग करना नहीं है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कोर का यूज करते हैं। उस वहां पर किसका यूज करते हैं, कोर का यूज करते हैं। एक एडिशनल पैटर्न भी हम उसे कह सकते हैं, हम उसको एक एडिशनल पैटर्न के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब उसके बाद है मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड यानी कि जो हम कास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए हम जो सैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेरा एक प्रैक्टिकल वीडियो जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कास्टिंग सैंड जो है वो किस तरीके से, रेड सॉइल हो सकती है, ब्लैक सॉइल हो सकती है, लेटराइट सॉइल, ठीक है, सिलिका सैंड, कोई भी तरीके की जो भी सैंड हम यूज करते हैं तो वो जो सैंड है उसे हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग सैंड कहते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। पैटर्न के टाइप्स देखे, वन पीस पैटर्न, टू पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, ठीक है, ये भी मैंने लास्ट आपको एक वीडियो में दिखाया कि पैटर्न को किसे कहते हैं और पैटर्न के टाइप्स किस तरीके से होते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, अब हम समझते हैं अलाउंस एंड मोल्डिंग सैंड। सबसे पहले हम समझते हैं अलाउंस। अलाउंस इन कास्टिंग, कास्टिंग के अंदर अलाउंस क्या होता है, छूट छाट कैसे दी जाती है। सो सबसे पहले हमारे लिए एक टॉपिक है कि अलाउंस यानी क्या, कि जिस तरीके से मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे पास एक क्रॉप है, अब मैं इसको कास्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो एक मटेरियल बनाया इस तरीके से मुझे बनाना था, यहाँ से मैंने पॉरिंग किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा वर्कपीस मिल रहा है। अब जैसे ही मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये मेरा वर्कपीस है टोटल मेरा, जब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ और ये पूरा हमारा मोल्डिंग था, ये क्या है, मोल्ड है, ये सब सैंड है, ये हमारा पैटर्न था जिसको हमने अंदर रखा और ये हमको पूरा वर्कपीस मिल रहा है। जैसे हम इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे इसकी जो सरफेस है ये यहाँ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टूट जाएगी। जैसे हम इसको अंदर से बाहर निकालेंगे तो उसकी सरफेस वहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगी, टूट जाएगी। तो
उसकी सरफेस टूटे नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी उसकी साइज में और क्या करते हैं, छोट छाट देते हैं, जिसकी वजह से जिस तरीके से हमारे पास ऐसा वर्कपीस है, अब ये वर्कपीस को बाहर निकालना और ऐसा वर्कपीस है, अगर ये वर्कपीस को हम बाहर निकाल लेंगे तो आराम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे इसकी साइज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो ये वर्कपीस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वर्कपीस को जैसे हम आसानी से बाहर निकालते हैं, जिसकी बदौलत यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि इसको बाहर निकालने के बाद हमको ऐसा वर्कपीस चाहिए, तो इतनी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो इतना डायमेंशन हमने ज्यादा रखा है, इसको बोलते हैं टैपर अलाउंस। इसको क्या बोलते हैं, टैपर अलाउंस। यानी टैपर अलाउंस का मतलब ये है कि हमको वर्कपीस ऐसा चाहिए और हमने पेटर्न ऐसी बनाई जिसकी वजह से हमको जो मटेरियल है और वो जो है वो मोल्ड को डैमेज करे नहीं। दूसरा क्या है कि जब हमको ऐसा वर्कपीस चाहिए, वर्कपीस ऐसा चाहिए, लेकिन हमको एक चीज पता है क्या कि जो भी मटेरियल होता है वो जब ठंडा होता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और वो छोटा क्या हो गया, अब छोटी साइज का हो गया। तो सबसे पहली बात ये है हमारी कि कोई भी मटेरियल होगा उसका जब कास्टिंग करेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि उसका जो मोल्ड है, हमको जो डिज़ायर से है उससे थोड़ा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं श्रिंकेज अलाउंस, सिकुड़ जाना। इसे हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज अलाउंस, कि ये सिकुड़ जाता है, ये टैपरिंग अलाउंस है, ठीक है, टैपर किया जाता है, इसके अंदर श्रिंक यानी श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो आता है जिसे हम कहते हैं ड्रॉप अलाउंस, ड्रॉप अलाउंस भी इसके जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये आसानी से बाहर निकल सके इसलिए रखा जाता है, जबकि यहाँ पे क्या थोड़ा सा इस तरीके से सील रखा जाता है, जिसकी वजह से ये जो मटेरियल है जिसको हम, ये जो पैटर्न है जिसको हम आसानी से बाहर लिफ्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज होती है इससे आगे, ठीक है, श्रिंकेज अलाउंस ये सब हुआ, बाद में होता है सेकिंग अलाउंस। अब सेकिंग अलाउंस क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। सो सेकिंग अलाउंस का मतलब ये है कि जब हम मोल्ड जो है हमारा बेस बन चुका है तो हम थोड़ा सा हिलाते हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो प्रैक्टिकल वीडियो जो रखा था जिसके अंदर क्या था कि हम लास्ट में क्या करते हैं, उसको सेक करते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा हिलाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो मोल्डिंग सैंड है और जो मटेरियल है वो दोनों उसका कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो उसका जो कॉन्टेक्ट दूर हो जाए उसके लिए जो हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकिंग अलाउंस। तो सेकिंग के दौरान क्या होता है कि जो मोल्ड है वो थोड़ा सा पहले से कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारे लिए दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब दूसरी बार हम कास्टिंग करें तो मोल्डिंग सैंड जो है उसका डायमेंशन पहले जितना था उतना हमको रखना वो हमारे लिए जरूरी है। तो जिसको हम बोलते हैं सेकिंग अलाउंस। तो अलाउंस हम छूट छाट के लिए हमें छूट छाट देनी चाहिए, श्रिंकेज अलाउंस, टैपरिंग अलाउंस, ड्रॉप अलाउंस और सेकिंग अलाउंस। अब इससे आगे समझ रहे हैं, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। डिफेक्ट्स, कुछ कुछ खामियां रह जाती है कास्टिंग के दौरान। कास्टिंग के दौरान कौन सी कौन सी खामियां रह जाती है, तो सबसे पहली खामी जिसे हम कहते हैं पोरोसिटी, जिसे हम कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी क्या, जिस तरीके से आपको पता वो एडवर्टाइज आती है कि दांतों में कैविटी होना है ना, तो कैविटी यानी क्या, एक छोटा सा छेद, जो एक छेद ऐसा होता है कि जिसका दूसरा एंड क्या होता है, बंद होता है, तो जिसे हम कहते हैं कैविटी कहते हैं। लेकिन इसी तरीके से पोरोसिटी यानी क्या, जैसे स्पॉन्जी मटेरियल होता है तो स्पॉन्जी मटेरियल कुछ इस तरीके से होता है कि ये है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इतना जो पोर्शन है वो क्या है, खाली है। तो ये जो पोर्शन खाली है जहाँ, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पोरोसिटी कहते हैं। जिस
पानी के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने इतने दूर है, तो ये जो जगह है इसको हम क्या कहेंगे, उसकी पोरोसिटी कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, उसकी पोरोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि पोरोसिटी किसे कहते हैं। तो पोरोसिटी यानी क्या कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के दौरान अगर मटेरियल जो है जहाँ पे हमको मोल्ड में डालना था तो उस मोल्ड में जब हम डालते हैं तो वो डालने के वक्त, ठीक है, मोल्ड में हम डालते हैं उस दौरान अगर वो सही से वो सभी जगह पे प्रॉपर नहीं पहुंचाए तो कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसमें क्या रह जाती है, पोरोसिटी उसमें एयर रह जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। ये डिफेक्ट है, तो हमको पोरोसिटी दूर करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जितना हो सके उतना कास्टिंग का आपको पता होगा, एक जगह ये छेद होता है तो दूसरी जगह एक छेद रखा जाता है कि यहाँ से अगर आप फिल कर रहे हो तो एयर निकालने के लिए दूसरा छेद रखना पड़ता है जहाँ से वो एयर क्या हो जाए, लिफ्टअप हो जाए सब, और वहां से अगर ये ऑफ हो रहा है तो पता चल जाता है ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, भर चुका है। ठीक है, तो ये है पोरोसिटी। दूसरी डिफेक्ट जो है वो है श्रिंकिंग। श्रिंक हो जाता है, ठीक है, दूसरी डिफेक्ट क्या है, श्रिंक हो जाता है। यानी कि जब हम कास्टिंग करते हैं उस दौरान तो सही है, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, कास्टिंग जो है वो अब हर एक जगह के टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि अपने जहाँ है वो है अहमदाबाद या गांधीनगर यानी गुजरात का साइक्लोन डेविड, ठीक है, जबकि एक जगह है वो है लेह लद्दाख कश्मीर। ठीक है, अब ये जो रीजन है अपना गुजरात वाला अहमदाबाद का रीजन, जहाँ पे एक टाइम ऐसा होता है जब टेम्परेचर 10 डिग्री भी रहता है और एक टाइम होता है जब टेम्परेचर 45 डिग्री रहता है। अब जबकि यहाँ का जो सेगमेंट है, यहाँ का टेम्परेचर आपको पता होगा इससे पूरा उल्टा होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके कहाँ तक रहता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, यहाँ जो कूलिंग होगा वो बहुत पावरफुल कूलिंग होगा, जबकि यहाँ जो कूलिंग है वो थोड़ा क्या होगा, वीक कूलिंग होगा, क्योंकि यहाँ 10 to 45 है, यहाँ गर्मी मिलती है। इसलिए यहाँ अगर हमको वर्कपीस जो है हमारा कास्टिंग मटेरियल जो है उसको अगर हमको ठंडा करना है तो उसमें बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम टाइम लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, बहुत कम टाइम। जैसे कि बदलना क्या होगा कि ये जो -40 डिग्री अगर इतना टेम्परेचर है तो जैसे हम वर्कपीस को रखेंगे वैसे वो कूलन तुरंत कूल होना शुरू हो जाएगा, और जितना फटाफट कूल होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि वो मटेरियल अपनी एक जगह पे स्टेडी रह जाएगा, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं श्रिंकिंग कर रहा हूँ। तीसरी एक चीज है, ठीक है, यानी आपको ये समझ में आया होगा कि श्रिंकिंग कर रहा हूँ। तीसरा होता है रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज। तीसरा क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। सो रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब यहाँ पे इस तरीके से रहता है कि जहाँ पे ये कास्टेड मटेरियल को डालते हैं जैसे उसको पॉर करते हैं तो हर एक जगह पे ये सेम पहुँचना चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। अगर रीजन चेंज होता है तो उस हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंस भी चेंज होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो जाने की वजह से यहाँ पे जो मटेरियल है वो जैसे ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ जाता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो वो जैसे जैसे कोई भी मटेरियल अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ रहा है तो उसकी क्या बढ़ जाती है कि उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, और ब्रिटलनेस बढ़ जाने की वजह से वो तुरंत टूटने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमको एक ध्यान रखना है कि रिक्रिस्टलाइजेशन वो एक डिफेक्ट है, ठीक है। फिर एक क्रैक हो जाना यानी कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के दौरान ही अगर कोई जगह पे हीट ज़्यादा आ गई है या कोई जगह पे उसका रिक्रिस्टलाइजेशन डैमेज है तो वो जो कास्टिंग मटेरियल हमारा इस तरीके का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई भी जगह से वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो जिसको हम कहते हैं क्रैक, ठीक है। उसके बाद है इरोड हो जाना। अब इरोड हो जाना है क्या, तो इरोड हो जाना है यहाँ पे रस्टिंग के फॉर्म में नहीं लेना है, लेकिन इरोड हो जाने का मतलब यहाँ पे हमको बैंडिंग के फॉर्म में लेना है। तो बैंडिंग के फॉर्म में जब हम लेते हैं उसका मतलब है कि जैसे हम कास्टिंग मटेरियल ऐसा लिया है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कास्टेड मटेरियल जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जा रहा है जैसे हमने बाहर निकाला, यानी कि अब कास्टिंग किस तरीके का हो गया, तो कुछ इस तरीके का।
ऐसा ना हो जाए इसके लिए भी हमको एक प्रोसेस और सफिशेंट टेम्परेचर के हिसाब से इसके ऊपर प्रोसेस की जानी पड़ती है। तो ये एक चीज़ है बैंडिंग, उसके डिफेक्ट कि बैंडिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है क्रैक हो जाती है, पोरोसिटी रह जाती है, सिंकिंग हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड स्टेट तक वो पहुँच नहीं पाता है और क्रिस्टल स्टेट में रह जाता है तो उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। अब कभी कभी क्या होता है, जिस तरीके से हमारे पास कोई चीज़ है जैसे बाहर से वो सूख जाती है लेकिन अंदर से वो क्या होती है, गीली होती है, उसी तरीके से कास्टेड मटेरियल है तो कास्टेड मटेरियल जिस तरीके से वो बाहर की सतह जो है वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन अंदर की जो सर्फेस होती है अभी भी कॉन्स्टेंट स्टेट में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है। वो लिक्विड स्टेट में रहती है जिसकी वजह से अंदर जो मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और वहाँ पे वो क्या टर्बुलेंस क्रिएट करता है। वो जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से वो अंदर की वॉल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और अंदर की वॉल को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से इसको बोलते हैं इंट्रा डैमेज या तो इंटरनल डैमेज। वो बॉडी को इंटरनल डैमेज करते हैं जब हम उसको क्या करेंगे, सेक करेंगे, जब हम सेकिंग करेंगे उसके दौरान। इसलिए हमको पहले तो हमको ये पता होना चाहिए सेकिंग टाइम क्या होना चाहिए उसका, जिस दौरान हम कास्टिंग मटेरियल को बाहर निकालते हैं उसके बाद तो उसका सेकिंग टाइम क्या होना चाहिए और उसके बाद उसका इंटरनल डैमेज किस तरीके से हम जितना हो सके उतना दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका सेकिंग टाइम। दूसरी बात है उसकी डिज़ाइन, कि डिज़ाइन में जितना हो सके उतना हम क्या रखें, टेपरिंग मोड रखें, ऐसा मोड रखें टेपरिंग, टेपरिंग यानी एंगल वाला, ना कि सीधा रखें। अगर जितना सीधा रखेंगे उतना उस चीज़ को बाहर निकालने में हमारे लिए क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि क्या एक टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है वो कास्टिंग के ऊपर बहुत खतरनाक इफेक्ट करता है कि उसका कूलिंग रेट। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी दो चीज़ें जिसको है नॉर्मल, यानी कि रूम टेम्परेचर या फिर कोल्ड वर्किंग है कास्टिंग का, आपको पता होगा ये हॉट वर्किंग प्रोसेस है बिकॉज इसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के भी ऊपर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक लिया जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट तक जब तक हम ले जा रहे हैं तो तब तक हमको एक पता है, लेकिन ये जब हम कास्टिंग कर रहे थे आफ्टर कास्टिंग यानी कास्टिंग मटेरियल जो है और क्या हुआ है पोर हो चुका है, हमने मोल्ड में हमने उसको पोर कर दिया है, लेकिन पोर कर दिया है उसके बाद सही है लेकिन उसको कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने देना है, कोल्ड वर्किंग पे ठंडा होने देना है या हॉट टेम्परेचर यानी कि उसको थोड़ा सा जो भी टेम्परेचर है वही हीटिंग टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने देना है या तो कोल्ड टेम्परेचर जो है उसको ठंडा होने देना है, उसको फ्रोजन करके ठंडा करना है यानी कि इमीजिएट ठंडा करना है या फिर रूम टेम्परेचर पे जैसे है वैसे उसको रहने देना है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर हर एक एरिया के हिसाब से क्या रहता है, अलग अलग रहता है। हाँ, हमारा साइंस ऐसा कहता है कि रूम टेम्परेचर कितना रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ऐसा कहना हर एक जगह के लिए तो सही नहीं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की अहमदाबाद और लेह की, अहमदाबाद और लेह लद्दाख वो दोनों जगह का टेम्परेचर क्या रहता है, वास्ट डिफरेंस रहता है। ये 10 डिग्री से शुरुआत होती तो यहाँ तो 5 डिग्री में काउंट हो जाता है इसका, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाता है, यहाँ का टेम्परेचर -40 तक चला जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहती है अब इस टाइम पे कि आपको ये समझना कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने देना है या फ्रोजन कर देना है। अगर हम उसको फ्रोजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर हम उसको हॉट वर्किंग के फॉर्म में डालेंगे यानी कि जैसा है उसको हीटिंग फॉर्म में अगर उसको छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो उसके अंदर ना वो इवेपोरेट होगा और बॉइलिंग होने लगेगा और जैसे उसमें बुलबुले क्रिएट होंगे, बुलबुले क्रिएट होंगे तो वो क्या करेंगे, आसपास की वॉल को डैमेज करेंगे, तो जिसको कैविटेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो अब हमारे पास सबसे अच्छा पॉइंट रहता है रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि उसको कौन से टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होने दें। कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि कास्टिंग में और कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, आप देखिए और सर्च कीजिए कहीं कहीं या तो बुक में से स्टडी कीजिए कुछ भी,
और मुझे व्हाट्सएप पे या तो पर्सनल में मुझे आंसर दे सकते हो। थैंक यू।